दोस्तों, आज शनिवार है और हर शनिवार आपको कहानी सुनाने का वादा है। मैं फिर मौजूद हूँ। आज सुना रहा हूँ लियो टॉल्स्टॉय की कहानी तीन संत। रूस के एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्च बिशप को एक दिन पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने आने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच में एक छोटा सा टापू था जहाँ एक पेड़ के नीचे तीन बूढ़े रहते थे। गाँव वालों का कहना था कि वे तीनों संत हैं। आर्च बिशप को यह बात बहुत नागवार गुजरी क्योंकि ईसाई धर्म में सिर्फ संत उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेटिकन ने विधिवत संत घोषित किया हो। आर्च बिशप गुस्से में आ गया, बोला, वे तीनों संत कैसे हो सकते हैं? मैंने तो सालों से किसी को भी संतत्व की पदवी के लिए अनुशंसित किया ही नहीं। वे कौन है और कहां से आए हैं? लेकिन लोगों पर इसका कोई फर्क पड़ा नहीं। वे लोग उन तीनों के दर्शनों के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की तादाद कम होती चली गई। एक दिन आर्च बिशप ने तय किया कि वह उन तीनों को देखने जाएगा। आखिर वो कौन है, क्या करते हैं? वह नाव में बैठकर टापू की ओर चल पड़ा। वे तीनों को आसानी से मिल गए। साधारण से लोग थे, अनपढ़, निष्कपट देहातियों जैसे। आर्च बिशप बहुत शक्तिशाली था। वह पूरे रुबाब में रहता था। रूस के चार के बाद वह उस इलाके का सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण आदमी था। उन तीनों को देखकर वह खींच उठा और बोला, तुम्हें संत किसने बनाया? वे बेचारे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसी ने भी नहीं। हम लोग खुद को संत नहीं मानते, हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। वो बोला, तो फिर तुम लोगों को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वे बोले, ये तो आप उन्हीं से पूछिए। आर्च बिशप ने पूछा, क्या तुम लोगों को चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? तीनों बोले, नहीं, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना तो बहुत लंबी है, हम उसे याद नहीं कर सकते। आर्च बिशप बोला, तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, तुम बता दो, एक ने ऐसा कहा। फिर वो आपस में कहते रहे, तुम ही बता दो ना। आर्च बिशप यह सब देखकर अपना आपा सा खो बैठा। उसने मन में सोचा, इन लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, कैसे संत हैं ये? फिर बोला, तुम लोगों में से कोई बता सकता है? जल्दी बताओ वो प्रार्थना। वे बोले, दरअसल हम आपके सामने बहुत ही साधारण से व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बनाई है, पर हमें यह नहीं पता था कि इस प्रार्थना को चर्च की मंजूरी मिलना जरूरी है। हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। हम इतने संकोची हैं कि हम आ ही नहीं पाए। हमारी प्रार्थना है, ईश्वर तीन है और हम भी तीन हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तुम तीन हो, हम तीन हैं और हम पर दया करो। अब आर्च बिशप बहुत गुस्से में आ गया, बोला, यह प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं सुनी। इसके बाद जोर जोर सर हंसने लगा। वे बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दीजिए, हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है, ईश्वर तीन है और हम तीन हैं, और भला क्या चाहिए, बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके ऐसा कहने पर आर्च बिशप ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना काफी थी और उसके खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए हैं। आर्च बिशप ने उन्हें फिर से दोबारा बताया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम आखिरी का भाग भूल गए हैं। अब आर्च बिशप बहुत झुंझला गया और बोला, तुम लोग किस तरह के आदमी हो, एक छोटी सी प्रार्थना भी तुम लोगों को याद नहीं रहती। वे बोले, माफ करें, हम लोग तो अनपढ़ हैं, हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें, यदि आप इसे दो तीन बार सुना देंगे तो शायद हम लोग इसे याद कर लेंगे। आर्च बिशप ने उन्हें तीन बार प्रार्थना सुनाई। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे, हालांकि हो सकता है हम इसका कुछ हिस्सा भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। अब आर्च बिशप संतुष्ट था कि वह लोगों को जाकर बताएगा कि उसका पाला कैसे बेवकूफ लोगों से पड़ा था। मन में सोचा कि जिन्हें ये लोग संत कहते हैं उन्हें तो धर्म का काखागा भी नहीं पता और वे ऐसे जाहिलों के दर्शन करने जाते हैं। यही सब सोचते हुए, मन में आनंद के लड्डू लेते हुए नाव में बैठा। अभी आर्च बिशप आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि पीछे से उसे उन तीनों की पुकार सुनाई दी। मुड़कर देखता है तो वो तीनों पानी पर भागते हुए चले आ रहे हैं नाव की तरफ। आर्च बिशप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास
पानी में ही खड़े हुए बोले, माफ़ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया। कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, हम कुछ भूल गए हैं। आर्च बिशप ने कहा, आप अपनी प्रार्थना ही पढ़ें, मैंने आपको जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं बहुत दम्भी हूँ, मैं आपकी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता। आप लोग लौट जाएं। लेकिन वे अड़े रहे, नहीं ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं, बस एक बार और वो प्रार्थना दोहरा दें, हम लोग भूलने लगे हैं, पर इस बार कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से याद कर लें। आर्च बिशप ने कहा, नहीं भाइयों, मैं सारी जिंदगी उस प्रार्थना को पढ़ता रहा पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबल में पढ़ते हैं कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, इसके बावजूद हम शंका करते रहे। आज आपको पानी पर चलते देखकर ईसा पर विश्वास हो चला है। आप लोग लौट जाएं, आपकी प्रार्थना संपूर्ण है, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। बस यही थी कहानी दोस्तों। दंभ, अभिमान, घमंड, इससे ज्यादा नुकसानदेह कुछ नहीं है। इससे हम किसी का नहीं, सिर्फ खुद का नुकसान करते हैं। अपने ही दर्प में चूर सामान्य से आदमी की अच्छाई से मुंह मोड़े रहते हैं। इसी में उम्र निकल जाती है कि मेरे आगे उसे क्या पता होगा। ऐसा करते करते हम अपने चारों ओर घमंड की एक ऐसी दीवार बना लेते हैं कि हम तक आने वाली हर अच्छी चीज उस दीवार से टकरा कर चकनाचूर हो जाती है। दोस्तों, एक नैसर्गिक सच्चाई है कि हर आदमी को ईश्वर ने खास बनाया है। हर आदमी में कुछ ना कुछ बेहतरीन है, शानदार है। हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। जरूरत है तो बस उसे दिल से खोलकर स्वीकार करने की। यकीन मानिए, सीखकर हम बड़े ही होते हैं, फिर चाहे सिखाने वाला बच्चा ही क्यों ना हो। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार को आनी के YouTube चैनल पर फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। निधि बिटिया और आनी की टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आनी के YouTube चैनल पर देखिए हमारी कहानी। हम दर्द में भी मुस्कुराते हैं, अपनों के सताए दर्द को भी भूल जाते हैं। इतने घने बादल के पीछे कितना तन्हा होगा चांद। जिंदगी की सांझ और तन्हाई, अपनों से दूरी और तन्हाई। इतने घने बादल के पीछे तन्हा तो सूरज भी हो जाता है शायद। जिंदगी की सांझ में ना जाने ऐसे कितने ही गमों, कितने ही एहसासों का बोझ लिए हमारी बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव को वृद्धाश्रम या घर की चार दीवारी या फिर बेघर रहकर गुजार रहे हैं। जिंदगी की सांझ, नींद का बोझ, अपनेपन का एहसास शायद ही मिल पाएगा कभी।